नमस्कार, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। नागपुर पुलिस को एक कुख्यात गैंगस्टर को पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है। इससे बड़ा ताजबाग एरिया के लोगों ने अब चैन की सांस ली है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नागपुर के बड़े ताजबाग एरिया में दहशत का दूसरा नाम गैंगस्टर फिरोज खान से आम नागरिक और दुकानदार सभी बुरी तरह त्रस्त थे। उसका दूसरा नाम अबू है। फिरोज को संडे के दिन भंडारा जिले के रिमोट गांव में अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे पकड़ा गया। अबू के साथी सत्तार को दिन में भंडारा सिटी से गिरफ्तार किया गया। पुलिस को मिली इस सफलता से बड़ा ताजबाग जाने वाले डिवोटीज और इस इलाके में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है कि अब उन्हें फिरोज के आतंक से मुक्ति मिली। वह भी अपने परिवार के साथ ताजबाग मोहल्ले में रहता है। अबू और उसके गिरोह के लोग ताजबाग आने वाले श्रद्धालु और दुकानदारों को हफ्ता वसूली के लिए बहुत परेशान करते हैं। उसके खिलाफ एक्सट्रॉर्शन, किडनैपिंग और असॉल्ट के 50 से अधिक मामले दर्ज है। सेंशन कोर्ट में मिली बेल के बाद पिछले कई महीनों से वह फरार था। आरोप है कि फिरोज का गैंग मेफेड्रॉन और एमडी पाउडर जैसे नशीले पदार्थ सप्लाई का भी काम करते हैं। इसके 5 भाई और उनके कई साथी पहले से ही विभिन्न मामलों में जेल की सलाखों के पीछे हैं। नागपुर के सीपी अमितेश कुमार के मार्गदर्शन में डीसीपी नूरुल हसन ने शकरदरा पुलिस स्टेशन की स्पेशल स्क्वाड को इस गैंगस्टर को पकड़ने में लगाया, जिसे रविवार की सुबह सफलता मिली। पुलिस को वह करीब 7 महीने से चकमा दे रहा था। सीपी के निर्देश पर पिछले 2 महीनों से उसके व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और मैनुअल इंटेलिजेंस नेटवर्क ने इस कुख्यात गैंगस्टर को पकड़ने में मदद की। फिरोज खान गुजरात के मेसान और महाराष्ट्र के अमरावती तथा गढ़चिरौली में छिपकर कई बार पुलिस के साथ आंख मिचोली खेलता रहा था। नेशन नेक्स्ट, न्यूज़ हब फॉर न्यू इंडिया।